देश की संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान शहीदों के परिजन भी संसद परिसर में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि राष्ट्र हमेशा उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों का ऋणी रहेगा जिन्होंने 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा कि इस दिन 22 साल पहले देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने और हमारे लोकतंत्र के मंदिर को नुकसान पहुंचाने की आतंकवादियों की नापाक योजना को बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया था। इसमें 9 लोगों ने मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी थी। राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हर जगह मानव जाति के लिए खतरा बन चुके आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को खत्म करने का संकल्प दोहराते हैं। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद परिसर पर हमला किया था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था।